आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको देयर का यूज पाता हूँ। बहुत दिन से बच्चे परेशान हैं कि सर देयर का यूज पाइए, कि देयर का यूज होता क्या है आज वो बताइए सर। तो देखते हैं यूज ऑफ देयर। यहाँ पे एक वर्ड है THEIR, देयर। आखिर इस देयर का यूज होता क्या है? हमने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, बट देयर का एक स्पेशल यूज आपको चाहिए था, वो आज देना है। तो देखते हैं देयर का स्पेशल यूज क्या हो सकता है। मैं आपसे बात करूं कि देयर है क्या, तो देयर एक सब्जेक्ट है जो फॉल्स है, ये रियल नहीं है। देयर के साथ कोई भी रियल काम नहीं होता। जैसे हम बात करें सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट रियल और एक होते हैं सब्जेक्ट फॉल्स। एक होते हैं रियल, एक होते हैं फॉल्स। अगर रियल है, जैसे हमने यहां पे नाम लिखा लता, अब लता नाम लिखा यहां पे हमने लता, तो लता के साथ इज लगाओगे, मैं कहूंगा आर लगाओ तो लगाओगे, नहीं लगाओ। क्यों? क्योंकि लता सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आपने कहा लता इज गुड। अब यहां पे लता के साथ आपने इज का प्रयोग किया, अगर मैं लता के साथ इज लगा के मैं आर लगा दूं तो आपको सर आर नहीं आएगा, क्योंकि आर लता सिंगुलर है तो आर नहीं, इज आना चाहिए। तो लता इज गुड, ये बात प्रयोग करोगे आप। लेकिन फॉल्स की बात है झूठा, तो देयर एक झूठा है, फॉल्स है, ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर के साथ आप इज लगा दो, देयर के साथ आप आर लगा दो, ये डिपेंड करेगा कि इसके आने वाले क्या हैं, उसके अनुसार डिपेंड करेगा। जैसे देयर इज अ बॉय, तो बॉय था तो यहां पे इज लिया, देयर आर बॉयज, बॉयज था तो यहां पे आर लिया। तो यहां डिपेंड करेगा कि आखिर देयर के बाद हो क्या रहा है, इसलिए देयर इज नॉट अ रियल सब्जेक्ट, देयर कभी भी रियल नहीं होता। तो इसको हम लोग डिटेल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक रियल और एक फॉल्स। तो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं देयर का प्रयोग, और देयर के यूज के साथ मैं आपको बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूं। अब आप देयर का क्या करो, स्ट्रक्चर देखो। तो हमने यहां पे क्या लिखा, देयर, जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के साथ आप आराम से देयर का प्रयोग कर सकते हो, देयर प्लस। अब देयर के साथ क्या करना है, कि देयर के साथ इज आर वाज वर विल बी शुड बी मस्ट बी शुड हैव बीन मस्ट हैव बीन मे बी कुड बी वी टू वी फाइव वर कुछ भी लगा सकते हो, जो मन करता है लगाओ, बस बोलो जितना मन करता है। देयर के साथ इज लगाओ, देयर इज अ बॉय, देयर आर टू बॉयज, देयर वाज अ किंग, देयर वेयर लॉट्स ऑफ किंग्स, देयर विल बी अ किंग, देयर शुड बी अ किंग, देयर मस्ट बी अ किंग। तो जितना स्ट्रक्चर चाहो, मैं आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूं देयर से बनाने के लिए, आप जितने एग्जाम्पल्स चाहो, बस स्ट्रक्चर ध्यान क्या रखना है वो ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर होगा देयर, देयर के साथ इसमें से कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब ले लें, लेने के बाद आप आर्टिकल एन का प्रयोग करें। ये सारे वर्ड देयर के साथ आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आर्टिकल आपने ए और एन का प्रयोग किया, ए लगाने के बाद यहां पे नाउन लगाएंगे। अब ये जो नाउन है, इसके बाद जो आपने नाउन लगाया, ये नाउन हो सकता है कि सिंगुलर हो, या नाउन हो सकता है कि प्लुरल हो, प्लस अदर वर्ड। जैसे हमने कहा देयर इज अ बॉय, तो बॉय हो गया सिंगुलर, तो हमने इज का प्रयोग किया। हमने कहा देयर आर बॉयज, अब बॉयज था तो बॉयज होगा प्लूरल, तो ए एन का प्रयोग हम लोगों ने नहीं किया। तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे, जरूरत नहीं रहेगा तो एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे मैं बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको लिख करके दे रहा हूं, ताकि आप देखें कि यह सबका प्रयोग कैसे होता है और कैसे लिखा जाता है। दो तीन स्टाइल में आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप आराम से इसको देखें एग्जाम्पल कैसे होता है, आपको मैं भी दे रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो अब एक एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे कुछ, कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दो चार हमने दिया, ताकि आप इस एग्जाम्पल को देखें और कैसे बनता है जानने का प्रयास करें। अब एग्जाम्पल क्या होता है बच्चे आप समझिए, सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि सर हम देयर का प्रयोग करेंगे कहाँ। मुद्दा ये उठता है कि सर ये जो देयर है ना, इस देयर का यूज हम करेंगे कहाँ, कहाँ करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि मैं तुमसे बोलूं राम आम खाता है, तो राम तो सब्जेक्ट में, राम ईट्स अ मैंगो, लेकिन देयर का प्रयोग कहां करेंगे, तो जिस सेंटेंस में डूअर का अभाव होगा, जिस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जिस सेंटेंस में यह ना पता चले कि आखिर इसमें सब्जेक्ट है कहां, वहीं पे हम देयर का प्रयोग
करेंगे। तो देयर कहाँ लगाएंगे, जहाँ सब्जेक्ट ना दिखे या सभी पता नहीं चल पाए क्या करें, जहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर दे वहाँ पे देयर लगा दो। जैसे अगले सप्ताह एक सभा है, अब इसे पता नहीं सभा करेगा कौन, अगर मैं कहूँ कि राम सभा करेगा तो पता चल रहा है कि राम करेगा, वहाँ शांति रहेगी, वहाँ शांति रहेगी भाई, वहाँ कौन है, है ना, वहाँ एक आदमी दिखता है, वहाँ एक आदमी दिखता है भाई, यहाँ पे तो पता चल रहा है कैसे दिखता है। भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है, तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है। इसी सेंटेंस में हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि राजा है, राजा है, मैं कहूँ एक राजा है, तो इसमें आपको पता है कि एक का अंग्रेजी ए होता है, राजा का अंग्रेजी किंग होता है का अंग्रेजी इज होता है, तो बोलो अंग्रेजी हो गया क्या, आर किंग इज, नहीं ना। तो जब सेंटेंस में कोई डूअर का भाव, एक राजा है, इस केस में एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ड होता है देयर, जो किसी भी बेकार सेंटेंस को, आवारा सेंटेंस को एक बारिश देता है ताकि एक सेंटेंस पूरा हो सके। जैसे एक राजा है, इसमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री टर्म एक देयर का प्रयोग किया जाता है। तो एक राजा है, तो हमने यहां पे क्या दे दिया, जब अंग्रेजी बनाना होगा तो हम अपने मन से क्या लगा देंगे, देयर। अब देयर को कॉम्प्लीमेंट्री बांध लिया सब्जेक्ट, अब है आ गया कि राजा है, देयर इज, अब आ जाएगा ए किंग। तो जहां पे सब्जेक्ट का भाव, सब्जेक्ट का मतलब डूअर का भाव, राजा तो नाउन है ही यहां पे, लेकिन सब्जेक्ट डूअर का भाव है। जैसे मुझे बोलना है कि दो लड़के हैं, अब दो लड़के हैं, दो का ही टू, लड़के का बॉयज, हैं का ही इस, यार पता है, लेकिन कैसे पता, तो इस केस में लगाएंगे देयर। अब देयर क्या है, देयर मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक वर्ब की सहायता के लिए, एक सेंटेंस बिल्कुल ही बिखरा हुआ है उसको पूरा करने के लिए हम देयर लगाते हैं, जहां पे सब्जेक्ट आपको ना दिखे, काम करने वाला ना दिखे, उस केस में आप देयर का प्रयोग करना। जैसे दो लड़के हैं तो देयर आर, अब दो का क्या हो गया भाई टू, लड़के का क्या हो गया बॉयज, तो देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं, इस तरह से हम काम करते हैं। तो हमने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देने का प्रयास किया है, जिसके थ्रू आप समझने का प्रयास करना। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बच्चे कि अगले सप्ताह एक सभा है, अगले सप्ताह एक सभा है, अब इसे पता नहीं चल पा रहा कि सभा अगले सप्ताह कौन करेगा, क्या होगा, डूअर नहीं है, तो हमने अपने मन से क्या लगा दिया, है तो पता है इज होगा, अब देयर लगा दिया, तो देयर इज, अब एक सभा है तो देयर इज, अब देखो पीछे चल रहे हम लोग, तो देयर इज अ मीटिंग, देयर इज अ मीटिंग, एक सभा है, कब भाई नेक्स्ट वीक। तो जब भी आपको अंग्रेजी बनाओ, हमने आपको एक ट्रिक्स दिया है जिसपे 8 मिलियन व्यू हुआ है, तो उसमें आपने कहा कि देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, पीछे से हम लोग आगे फटाफट बढ़ चलते हैं। तो देयर के बाद है, क्या है, सभा, सभा के बाद एक, एक सप्ताह अगले, तो देयर इज अ मीटिंग नेक्स्ट वीक, चूंकि हिंदी चलते हैं हम लोग आगे से ऐसे और अंग्रेजी चलते हैं पीछे से ऐसे, यही आपको ध्यान रखना है खास बात, वहां शांति रहेगी, वहां शांति रहेगी। अब देखिए देयर, देयर तो आ गया फुल भी करने के लिए, अब रहेगी विल बी, देयर विल बी क्या रहेगी भाई, पीस, कहाँ, वहां, तो वहां के लिए देयर नहीं है, ये तो देयर सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट्री है तो आएगा ही आएगा, तो देयर विल बी पीस, कहाँ भाई, वहां, तो देयर, देयर आगे कॉम्प्लीमेंट्री, रहेगी विल बी पीस देयर, तो देयर विल बी पीस देयर, है ना, वहां एक आदमी दिखता है, तो वहां एक आदमी दिखता है, अब देखो वहां कहाँ, वहां एक आदमी, तो वहां क्या सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर अपने मन से आ गया, तो देयर लुक्स, दिखता है, क्या हो गया लुक्स, तो देयर लुक्स क्या दिखता है, देखो पीछे से ऐसे सब में जहां तुम दिखना हो आप इसको आराम से बनाए, तो देयर लुक्स, दिखता है क्या जी, लुक्स अ मैन, एक आदमी, देयर, तो देयर लुक्स अ मैन देयर, आराम से समझ दो। भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है, भारत के सुदूर भागों में गरीबी तथा अशिक्षा है, तो देयर इज पॉवर्टी, देयर आ गया है क्या है बाबू, गरीबी तथा अशिक्षा, तो देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, देयर इज पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, अब मे का क्या हो गया इन, तो देयर इज, देयर है, क्या है भाई, गरीबी तथा अशिक्षा, तो देयर इज पॉवर्टी
एंड इलिटरेसी कहाँ भाई, इन इन कहाँ, भारत के सुदूर भागों में, तो इन रिमोट, रिमोट मतलब क्या हुआ, सुदूर साइड्स ऑफ इंडिया, तो क्या हुआ हम लोग, तो के सुदूर, सुदूर मतलब दूर भागों में, तो देयर इज अ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी इन रिमोट साइड्स ऑफ इंडिया। इस तरह से देयर से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। जैसे बोलने पांच लड़के थे, तो देयर वेयर फाइव बॉयज, पांच लड़के हैं, देयर आर फाइव बॉयज, बहुत सारे सेंटेंस आप लिख सकते हैं। मैं आपको दो चार एग्जाम्पल और दे रहा हूं, इसको करने का प्रयास करिए। और एग्जाम्पल देखो, कई की एग्जाम्पल को देखो आप, तब समझ में आएगा। हमने कहा पटना में अशोक नाम का एक राजा रहता था, तो पटना में अशोक नाम का एक राजा रहता था, तो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड अशोक इन पटना, तो पटना में, तो देयर लिव्ड पटना में रहता था, तो देयर का मतलब क्या है, जहां पे सब्जेक्ट काम ना करे, जहां पे राम हम खाता टाइप का ना हो, वहीं पे देयर लगाएंगे। तो देयर लिव्ड रहता था एक किंग, एक राजा, कहां भाई, नाम क्या था उसका, नेम्ड अशोक इन पटना। अब देखो बोलना कोई है, कोई है, तो देयर इज समथिंग, अब कोई है कौन है भाई, नहीं पता, तो जिसके बारे में नहीं पता ना, वहीं पे देयर का प्रयोग करना। जैसे कोई है, देयर इज समबडी, कुछ है, देयर इज समथिंग, सब चीज है, देयर आर ऑल थिंग्स, तो इस तरह से आप प्रयोग करना है। लेकिन मैं बोलूं वह है, अब बताओ, अब बोलो वह है, तो देयर इज ही गलत हो जाएगा, देयर इज ही नहीं, या तो बोलो ही इज या इट इज ही, वह था तो देयर वाज ही नहीं, ही वाज या इट वाज ही, ऐसा प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट है, यहां पे वह व्यक्ति है, तो जहां पे सब्जेक्ट होता है वहां पे उस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे हम देयर का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप इस चीज को देखिए, देयर का ये बहुत बढ़िया वीडियो है, इस देयर को आप आराम से, इस वीडियो को दो बार तीन बार बड़े शांति से देखिए, पॉज करके फोटो लीजिए, और हां एक बार जरूर लाइक शेयर तो बनता है, पूरे भारत में फैला दीजिए, और मैं धर्मेंद्र सर ऐसे वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।